खुद जो है डीजल सर्किट ट्रेनिंग स्कूल पहुंच करके लोगों से जानकारी ली और ट्रेनिंग सेंटर में उन्होंने जो है 100 से अधिक प्रशिक्षकों से बातचीत की। उन्होंने एक एक कर्मचारी से मिल करके खुद सवाल पूछे और जाना किस तरह संरक्षा के प्रति कितने जागरूक हैं, उन्हें संरक्षा कितनी जानकारी है, ट्रेनों की सेंटिंग के बारे में उन्हें कितनी जानकारी है और किस तरह जो है वो सेफ्टी रूल्स को जानते हैं। इसको लेकर के उन्होंने खुद कर्मचारियों से कहा भी है कि सेफ्टी को नजरअंदाज न की जाए, किसी भी स्थिति में संरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, कोई भी शॉर्टकट उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और ट्रेनों के संचालन में किसी भी तरह का जो है जल्दबाजी करने कोई आवश्यकता नहीं है, भले ही ट्रेन लेट हो जाए। उन्होंने कर्मचारियों को नसीहत भी दी कि जरा से संरक्षा की लापरवाही की कीमत किस तरह यात्रियों को अपनी जान गंवा कर भुगतनी पड़ती है, इसलिए जो है ट्रेनों के संचालन में संरक्षा का हर पल और शत प्रतिशत ध्यान रखा जाए और इसको लेकर के उन्होंने तमाम बातें भी कही। और इतना जरूर माना जा रहा है कि DRM के इससे जो है निरीक्षण से और उनके सम्मेलन में जाने से लोकसभा सीटों में अपना दल को फिर से मिल सकती हैं 2 सीटें। यह हम आपको बताना चाहेंगे कि NDA की सहयोगी दल जो कि अपना दल S है, जिसमें कि सन 2019 में भी लोकसभा चुनाव में 2 सीटें मिली थी, जिसमें कि मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल और रॉबर्ट्सगंज से पकौड़ी लाल सांसद थे। कहीं ना कहीं इस बार भी शुरुआत से ही 2024 की कवायद में प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल के द्वारा 10 से 12 सीटों पर कवायद की जा रही थी, लेकिन आधिकारिक रूप से अगर हम माने तो आज से कल में आधिकारिक रूप से ये घोषणा होने वाली है 2 सीटें तो कम से कम इनकी कंफर्म है ही, और जिसपे की अनुप्रिया पटेल और पकौड़ी लाल को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। आधिकारिक रूप से इस पे किसी भी तरह का बयान अपना दल से नहीं आया है, लेकिन सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं 2 ही सीटों पे इनकी उम्मीदवारी होगी। ये जरूर कहा जा रहा है कि हमें जितनी भी सीटें मिलेंगी उस पर पूर्ण परिणाम के साथ हम विजयी पूर्वत की भांति होंगी। अब देखने वाली बात यह है कि आधिकारिक रूप से घोषणा होने के बाद इनको कितनी सीट मिलती है और ये क्या अच्छे परिणाम पूर्वत की भांति दे पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला लोकसभा चुनाव का परिणाम ही बताएगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ सत्यव्रत शुक्ल, जनता TV, लखनऊ। बदायूं में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। आपको बता दें, मामला बदायूं जनपद के थाना शिवलाई क्षेत्र के मंडी समिति चौकी के चंद कदम की दूरी का है, जहां पर एक युवक ने घर में घुसकर 2 नाबालिग बच्चों के धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, पुलिस भी मौके पर पहुंची। हालांकि मामला 2 समुदायों से जुड़ा हुआ था, जिसको लेकर मामला तूल पकड़ गया और आगजनी तक हो गई। वही SSP भी मौके पर पहुंचे और उसके बाद पुलिस महानिरीक्षक ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया और जल्द से जल्द घटना का खुलासा करने के निर्देश दिए। वही घटना के 3 घंटे के बाद पुलिस ने आरोपी का एनकाउंटर कर ढेर कर दिया। इससे पूरे क्षेत्र में पुलिस की बावाई हो रही है। वहीं अब इस पूरे मामले में राजनीति भी गर्मा गई है। लगातार पक्ष और विपक्ष जो है कटाक्ष कर रहा है। वहीं BJP के कई नेता भी परिवार को सांत्वना देने के लिए पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और सांत्वना दी। वहीं प्रभारी मंत्री गुलाब देवी भी पीड़ित परिवार के घर पहुंची और परिवार वालों को सांत्वना दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई कर रही है और जो आरोपी बचा हुआ है उसको भी जल्द पकड़ने के बाद कार्रवाई की जाएगी। अभेश मिश्रा, जनता TV, बदायूं। अक्सर देखा जाता है रेल बनाने की चाहत में लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे उनको बाद में नुकसान भी होता है। ऐसा ही मामला प्रयागराज में सामने आया है, जहां माघ मेला क्षेत्र में एक महिला थार कार पर बैठकर बोनेट पर खुलेआम घूमती दिखाई दी है। सबसे बड़ी बात है कि माघ मेले क्षेत्र में श्रद्धालु भी आते हैं और उस समय इस तरह की लापरवाही अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि माघ मेला क्षेत्र में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, जिससे कभी बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी और यातायात नियम भी का उल्लंघन किया ही गया है। बता दें, इससे पहले भी सिविल लाइन क्षेत्र पत्थर गिरजाघर पर, जहां एक दुल्हन सफारी कार की बोनेट में बैठकर घूमती नजर आई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई भी की थी। फिलहाल अब देखना होगा इस महिला पर किस तरह की कार्रवाई पुलिस करती, क्योंकि नियम कानून का यातायात उल्लंघन किया गया है और माघ मेला क्षेत्र में खुलेआम बोनेट में बैठकर गाड़ी पर घूमती दिखी है महिला। जनता TV के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।